कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा देखना हो तो राजधानी दिल्ली के करकरनुमा चले आइए। यहाँ 69 साल का एक शख्स आपको दिख जाएगा जिसने जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से हारना नहीं सीखा बल्कि आत्मविश्वास से जीने का तरीका जाना। इस शख्स का नाम है अशोक जौली। जौली अंकल को आप करकरनुमा में स्कूटर पर घर का बना स्वादिष्ट खाना खिलाते बेचते देख सकते हैं। माउथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराकर अशोक जौली आज आत्मनिर्भर हैं। लोगों को घर का बना शुद्ध खाना खिलाकर वे न सिर्फ अपना घर चला रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। दिल्ली के करकरनुमा में लंच ऑन स्कूटर जैसा अनूठा स्टार्टअप चला रहे बुजुर्ग अंकल अशोक जौली ने बताया कि वे और उनकी पत्नी मिलकर घर पर खाना बनाते हैं, उसके बाद रोजाना अपने स्कूटर से करकरनुमा आकर यह खाना बेचते हैं। जौली ने बताया कि उनके पास लोगों को घर का बना स्वादिष्ट खाना मिलता है। यहाँ मिलने वाली थाली में 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी और सलाद होता है जिसकी कीमत मात्र 70 रुपए है। अंकल क्या नाम है आपका? अशोक जौली। कितनी उम्र है अंकल आपकी? 69 के करीब होने वाली है। 69 के करीब होने वाली है। अच्छा अंकल, मैं बात करूं कि आपकी जो वीडियो है सोशल मीडिया पे इतनी वायरल है कि आपने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को मात देकर भी आज भी अपने घर को चलाने के लिए आप काम कर रहे हैं। अच्छा अंकल, मैं बात करूँ की ये जो आपका घर का खाना है इसको कौन कौन बनाता है? मेरी मिसेज बनाती है जी, मैं उसका हेल्प हूँ। अच्छा आप हेल्प करते हो उनको खाना बनाने। अच्छा तो अंकल आप डेली यहीं पे आके खाना को करते हो? हाँ जी, मैं यहीं आप यहीं पर स्टॉल मतलब लगाती हूँ और यहीं से खाना बेचते हो? हाँ जी। अच्छा तो अंकल, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि आपकी जो ये स्टॉल है ये मतलब आप स्कूटर पे ही अपना पूरा सारा चीज़ें लगा के खाना बेचते हो, क्या क्या मिलता है आपकी इस पे? मेरा डेली खाना चेंज होता है। अच्छा। प्लेट के अंदर 4 रोटी रहती हैं, चावल रहते हैं, दाल रहती है, सब्जी रहती है। अच्छा। और सलाद रहता है। अच्छा, डेली सब्जी और दाल चेंज हो जाती है। अच्छा तो अंकल कितने रुपए की थाली है? 70 रुपए की थाली है। अगर हाँ जी, अगर डिलीवरी करते हैं 80 रुपए की है। अच्छा आप डिलीवरी भी करते हो? हाँ जी। अच्छा अंकल, जैसे कि मैं बात करूँ आपके पिछले तो आपको जो कैंसर लोग बताते हैं कि आप कैंसर कैसे हो गया था? कैसे हो गया था? ऐसा है, कैंसर कैसे हो गया था? पहले मैं गुटखा खाता था, उससे कैंसर हुआ। आपको मतलब माउथ का कैंसर? हाँ जी, माउथ का। ये सारा ऑपरेशन हुआ हुआ है। अच्छा। जबड़ा नहीं है बिल्कुल भी मेरा। अच्छा, जबड़ा निकाल दिया गया? हाँ, यारा जबड़ा निकाल दिया गया है। ये अपना वैशाली के पास में अब पुष्पांजलि। अच्छा तो आपने वहीं पे ऑपरेशन कराया? हाँ जी, उसका ठीक हो गया। अच्छा, कब हुआ था आपको कैंसर? 19 जनवरी 2012 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ था। तो अंकल अगर मैं बात करूँ कि आप यहाँ पे पूरे दिन मतलब कितने बजे से कितने बजे तक काम? मैं यहाँ पर मैडम खाना बनाकर 1 बजे यहाँ आता हूँ। अच्छा। 3:30 बजे तक का मेरा टाइम है। 3:30 से पहले ख़त्म हो जाता पहले चलता। आपके बच्चे अंकल बच्चे हैं? बच्चे 2 लड़कियां हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, बेटा है। अच्छा, अब मतलब अभी आपके घर में सिर्फ आप और आंटी हो? हाँ जी। आप दोनों खाना बनाते हो? अच्छा अंकल, जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर जैसे कोई पीजी का ऑर्डर देता है, ऑफिस वाले ऑर्डर देते हैं तो आप उनके यहाँ भी सप्लाई कर देते हो? हाँ जी। अच्छा तो अंकल, अगर जैसे आपको किसी को आपको कॉन्टेक्ट किसी को करना होगा कि कैसे कोई आपसे खाना मतलब बनवा सकता है या फिर आप कैसे बनाओगे तो नंबर आप? यही नंबर सेव है, 9999189269। तो अंकल आप डेली यहाँ पे आते हो, अगर मैं बात करूँ कि आपकी एक जो इनकम है वो आपके घर चलाने लायक हो जाती है? अब हो जाती है, तभी चला रहे हैं जी। मतलब आप ठीक ठाक यहाँ? अभी कोई हमारा पेंशन भी नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट ने कोई पेंशन हमारे को नहीं दी। मिसेज मेरी 63 साल की है। हमने पेंशन के लिए अप्लाई भी करते हैं, नहीं है अभी पेंशन। तो अंकल इस उम्र में भी आप अपने घर का खर्च चलाने के लिए मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद एक इंसान होता है तो सोचता है कि अब बीमारी हो गई अब क्या ही काम करूँगा, लेकिन बोलते ना कि जज्बा हो अगर काम करने का तो कुछ भी इंसान
बिल्कुल एकदम मेहनत करना अपना काम है जी। अगर मेहनत कर रहे हैं, हाथ पैर भी चल रहे हैं और ईश्वर जो माता रानी है वो सब कुछ दे रही है, मतलब खर्चा पानी अपना पेट पालना है पड़ जाता है। ठीक है, तो अंकल जैसे कि किसी को आना होगा तो आपकी जो स्टॉल है इसका टाइमिंग तो आपने बता दिया, 1 बजे से लेकर 3:30 तक का टाइम रहता है, उससे पहले ख़त्म हो जाता है पहले चले। लोकेशन सीबीडी ग्राउंड है, ये यूनिटी 1 मेट्रो मॉल है, उसके जस्ट सामने BSES का ऑफिस है, मैं यहीं खड़ा हूँ। हाँ जी, संडे को।